Hello, everyone, welcome back to Lion's Academy, Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. एंड अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने डेट थर्टी सिक्स के सेशन में आ चुके हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आपको पता है आपको किस तरीके से पार्टिसिपेशन यहाँ पे करना है वीडियो जैसे आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करके कमेंट सेक्शन में बार से टाइप करना है और फिर वापस आके अपना आंसर चेक करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी टाइप करना है तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जी एस टी सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है सो द जी एस टी कम्पनसेशन एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन गारंटेड द स्टेट्स दैट दे वुड बी कम्पनसेटेड फॉर एनी लॉस ऑफ ऑफ रेवेन्यू इन द फर्स्ट टेन ईयर्स ऑफ जी एस टी इंप्लीमेंटेशन सेकेंड स्टेटमेंट इज एन एडिशनल सेस वुड बी इम्पोज ऑन सर्टन आइटम्स एंड दिस सेस वुड बी यूज टू पे कम्पनसेशन टू द स्टेट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल सो आपके ऑप्शन हैं बी ओनली बोथ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा सो so, आपका ये आ, पहले आंसर चेक कर लेते हैं चलो तो इसका आंसर होगा आपका बी ओनली विच मीन्स आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है पहला गलत है सो so, आपका ये एडिटोरियल एक आपका एडिटोरियल भी आ रखा था एन द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडिया जीएसटी और एक आपका इससे रिलेटेड आपका एक आर्टिकल भी आ रखा था सो so, इसलिए फिर आपका जी जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है वैसे भी काफ़ी सो so, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टेन ईयर्स नहीं है ठीक है सो जो जी एस टी एक्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो स्टेट्स को अगर शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू में जी की वजह से तो, तो जो सेंटर है वो उनको कंपनसेशन पे करेगा सो so, पहले दस सालों के लिए नहीं है यहाँ पे ठीक है तो देखते हैं इसको क्या बात करी गई है सो so, बेसिकली आपका जो 2017 में जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया था वहाँ पे बोला गया था कि पहले पाँच सालों के लिए आपका जीएसटी एस इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो जीएसटी एस से आपके जो नेक्स्ट पाँच साल होंगे जो कि आपका टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी था टू तक काउंट किया जाता है तो वहाँ पे अगर स्टेट्स को जीएसटी की वजह से रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होता है तो वहाँ पे स्टेट उनको कंपेंसेट करेगा ठीक अब यहाँ पे ये जो कंपनसेशन है इसके लिए एक कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा सेस आपको पता होगा कि ये टैक्स ऑन टैक्स होता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है तो यहाँ पे जीएसटी के लिए लगाया जाएगा सो तो यहाँ पे इन्होंने एक बात ये बोली थी कि अगर जैसे ये एज्यूम किया गया था कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जो स्टेट्स का ग्रो ग्रोथ होगी वो फोर्टीन परसेंट की पर ईयर की उस रेट से होगा ठीक और ये अगर इससे कम होता है तो फिर आपका यहाँ पर जो सेंटर है वो स्टेट को कंपनसेशन पे करेगा तो ये और ये जो स्कीम थी ये पहले पाँच सालों के लिए थी बिचमीन्स आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक जून तक के लिए थी ठीक सो so, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपनसेशन सेस शे, होता है सेस होगा यहाँ पे है ना ये आ, किस तरीके से पे किया जाएगा वही बातें क्योंकि और यहाँ पे ये किस ये कहाँ से पे करेगी गवर्नमेंट सो so, बेसिकली ये आ, इन आइटम्स पे जैसे पान मसाला सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स एरेटेड वाटर कैफिनेटेड बेवरेजेस कोल एंड सर्टेन पैसेंजर मोटर व्हीकल्स सो इन पे सेस लगाएगी और वो जो सेस होगा उसका यूज़ किया जाएगा स्टेट्स को कंपनसेशन पे करने के लिए ठीक सो so, यहाँ पर हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं सो so, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे सो so, जो ये डार्क ब्लू में है ये जो सेस रेवेन्यू जितना स्टेट्स जो ये सेस रेवेन्यू है वो होगा दूसरा यहाँ पे कंपनसेशन पेड रिक्वायर्ड है तो आप देख रहे होंगे ये फाइनेंशियल ईयर टू एटीन में आपका पहला आपका सेस रेवेन्यू ज़्यादा था और तो कंपनसेशन जो पे करना पड़ रहा था वो कम था स्टार्टिंग फिर उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी था वहाँ पर आपका Uh, फिर वही सेम कंडीशन थी आपका सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा था और आपका कंपनसेशन कम पे करना पड़ रहा था रिक्वायर्ड जितना की बात कर रहे हैं हम ठीक फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये दो केसेस में तो आपका एक्सेस दिख रहा है ठीक यहाँ पे एक्सेस दिख रहा है अब यहाँ पे हम क्या हुआ कि फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी में आपका जो कंपनसेशन पे करना था वो ज़्यादा होने लग गया क्योंकि आपका जो रेवेन्यू आना होगा स्टेट्स को वो आपका कम होने लग गया और फिर आपका फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है सो so, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं ग्राफ का आप यहाँ पे ये यह ध्यान रखें कि स्टार्टिंग का जो अगर आप ये सेक्स रेवेन्यू वाला सेक्शन छोड़ भी दें तो आप ये ध्यान रखिए फाइनेंशियल ईयर एटीन टू में आपको जो कंपनसेशन था वो कम पे करना पड़ा था फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका कंपनसेशन जो पे करने की ज़रूरत पड़ रही है वो ज़्यादा है और ये ऊपर जो करोड़स में ये नंबर दिया गया है जो ऊपर लिखा है सो बस इतना याद रखिए कि ये पहले कम था जब इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद आपको ज़्यादा ये आपको दिखने को मिल रहा है ठीक तो स्टेट्स की आपका यहाँ पे लॉजिक भी यही था कि हमें इतना शॉर्टफल हो रहा था हमें कंपनसेशन पे किया जाए ठीक सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच एम ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर विद रवांडा सो पहला है अंगोला दूसरा है चार तीसरा है सूडान एंड युगांडा रवांडा आपका न्यूज़ का पार्ट था जेनोसाइड जो हमने पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पे जो न्यूज़ का पार्ट था तो so, इसका आंसर होगा आपका डी विच मीन्स आपका इन चारों में से युगांडा बॉर्डर शेयर करता है तो इसको एक बार आ, आ, अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से सो so, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ग्रीन कलर का रवांडा है और ये सिर्फ यहाँ पे युगांडा दिख रहा है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ठीक क्योंकि जो ऑप्शन में था सूडान बहुत दूर दूर तक है आपको कहीं नहीं दिख रहा अंगोला यहाँ पर बहुत दूर दूर तक है ठीक चार्ड आपको यहाँ ऊपर पर दिख रहा होगा ये भी आपको कहीं ना कहीं से बॉर्डर शेयर करता हुआ नहीं दिख रहा है ठीक सो so, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन कौन करता है तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन विद मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑल दी फाइव मेंबर्स आर आल्सो इट्स फाउंडिंग फादर्स सेलेक्ट दी करेक्ट सेलेक्ट द कोड फॉर करेक्ट स्टेटमेंट आपके ऑप्शन हैं ए ओनली बी ओनली बोथ एन एन सो पहले मैं ये बोल रहा है कि ब्रिक्स की ब्रिक्स में आपका जो दुनिया की मोर देन फोर्टी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट इसमें आ जाती है मतलब देश जो आते हैं ना उनमें और दूसरा यहाँ पे कि जो पा, जो पाँचों के मेंबर्स वो उसके फाउंडिंग फादर्स भी मतलब वो पहले से ही इसके साथ है सो so, इसका आंसर होगा आपका ये ओनली सो बेसिकली आपका ये आपका एडिट आपका न्यूज़ का पार्ट था कि ब्रिक्स मिनिस्टेरियल मीटिंग आपकी जून वन को होने वाली है सो so, फिर आपके लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है तो so, दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है आप इसको देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पे देख रहे होंगे कि ब्रिक्स का पार्ट आपका इंडिया भी है चाइना भी है सो ऑलमोस्ट आपका फिर यहाँ पे जो फोर्टी परसेंट मोर देन फोर्टी परसेंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन का आपका जो लॉजिक है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सही दिख होता हुआ दिखता है फिर यहाँ पर बात आती है कि ट्वेंटी आपका यहाँ पर ग्लोबल जी भी इसका कॉन्स्टिट्यूट करती है सो अब दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए था क्योंकि जो आपका साउथ अफ्रीका था उसने दो में इसे ज्वाइन किया था जो थर्ड ब्रिक्स समेत था ना उसमें से ज्वाइन किया था सो so, पहले से आपका साउथ अफ्रीका नहीं था ठीक uh, यहाँ पे बी फॉर ब्राज़ील है आर स्टैंड फॉर रशिया आई स्टैंड फॉर इंडिया सी स्टैंड फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका इट्स वेरी कॉमन सो इसकी जो समिट होता है आपका एनअली होता है एंड uh, यहाँ पे आपकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन uh, बेस uh, पे होती है एक्रोनिम्स के बेस पे पहले बी फिर आर फिर आई फिर सी फिर एस ठीक यहाँ पे आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है कि आपने सुना होगा जैसे हर उसके अपने अपने बैंक्स होते हैं तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो आपको बताना है कि कौन सी जो कौन सी जो क्या है ये बेसिकली सिंपल से इतना ही बता दीजिए कि कब बना था और कौन क्या किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बना था किसके थ्रू वो होता है ये और कौन कौन सी कंट्रीज का पार्ट है इतना ज़्यादा नहीं है कंट्रीज़ कौन सा किसका हाईएस्ट शेयर है वोटिंग किस तरीके से है आप इतना थोड़ा बहुत डिटेल्स इतनी आपको बता बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुध पिटाका विनय पिटाका अभिधम पिटाका आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म जैनिज़्म इस्लाम जोरएस्ट्रियन सो so, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा रिक्लाइनिंग बुद्धा करके आपने करंट uh, अफेयर्स में पढ़ा होगा सो so, फिर रिक्लाइनिंग आई कि आपको दिखा होगा मतलब बुद्धा के एक स्टैचू था ना न्यूज़ का पार्ट सो so, तो so, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका ए विच मीनस बुद्धिज़म बहुत ईजी था क्वेश्चन ये so, सो शुद्ध पिटाका जो है यहाँ पे आपके जो वर्ड्स ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है ऐसे डॉक्टर इन सर बेसिकली इसमें दूसरा बिना पिटाका में आपको बताया गया है कि किस तरीके से अम्कस और नंग्स नन्स को रहना चाहिए उनके लिए डिसिप्लिन बताई गई हैं और अभिधम पिटाका यहाँ पे हायर टीचिंग्स के बारे में बताया गया है ठीक आप इसे एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चम ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट अबाउट एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं पहला है एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंडिविजुअुअल फॉर्म दैट इज लोकेटेड इन कंट्री इन टू अ कंट्री दैट इज लोकेटेड इन अ फॉरन कंट्री इन टू अ कंट्री इज कॉल्ड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरा है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तीसरा है एफ डी आई लेट्स अ इन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरन कंट्री एंड द लास्ट वन इज एफ डी आई इज ऑफन रिफर टू एज अ हॉट मनी सो so, पॉज करें अच्छा क्वेश्चन है सोचें कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें सो so, इसका आंसर होगा आपका डी क्योंकि आपका हॉट मनी एफ को नहीं एफ को विच मीन्स आपका फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का आपके आपका हॉट मनी कहा जाता है तो बेसिकली आपका जो एफ डी आई है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हो आपकी किसी भी फॉरेन कंट्री कोई फॉरेन कंट्री अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है ठीक तो वो आपका इन जनरल हम अगर बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें वैसे तो फिर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं एफ डी आई एफ पी आई लेकिन अगर हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पर तो पहला स्टेटमेंट काफ़ी हद तक ठीक है ठीक क्योंकि इनका पूछा था दूसरा स्टेटमेंट जो था इट्स इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स होता है डेट क्रिएट थोड़ी कर रहा है ये तो आपका लाइक लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ऊपर से आपका ये इकोनॉमी हेल्प करता है तीसरा एफ डी आई लेट्स एंड इन्वेस्टर परचेजर डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरन कंट्री बिल्कुल ठीक है एफ के थ्रू ही आपका जो है इन्वेस्टर अच्छा अपना इंटरेस्ट भी दिखाता है बिजनेस के अंदर और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है लास्ट आपका यहाँ पे फिर आपका जो बचता है कि एफ डी आई इज़ ऑफन रिफर टू एज हॉट मनी ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हॉट मनी बेसिकली उस मनी को कहते हैं जो बहुत ईजिली निकाली जा सकती है और एफ डी आई जो होता है ना वो आपका लॉन्ग टर्म होता है तो जितना लॉन्ग टर्म होगा तो उतना ईजिली आप मार्केट से मनी को पुल नहीं कर सकते इसके कंपेरिजन में हम जब एफ पी आई की बात करें सो विच इज़ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो वो वो आपका हॉट मनी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है और इसलिए इन्वेस्टर uh, चाहे तो उसको जल्दी से आपका पुल आउट कर सकता है ठीक तो आपका यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी वाला हो जाता है अगर हम उस पर्सपेक्टिव में देखें और ओके कंपैरिजन में चेक बी सी तो बिल्कुल ठीक है अगर आपको दिमाग अगर इसमें हमारा लॉजिक लगता भी तो ए और डी के ए को में लगता थोड़ा बहुत बट डी यहाँ पे एग्जैक्टेड और बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है तो आंसर यहाँ पर डी होता है नेक्स्ट यहाँ पर एक आप इसको पढ़ सकते हैं वही आपको लिखा गया है नेक्स्ट आपका गरुड़ शक्ति इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सो so, पहला है फ्रांस दूसरा है इंडोनेशिया तीसरा थाईलैंड एंड द लास्ट वन इज ऑफ द अबव सो इसका आंसर होगा आपका बी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होती है ये सो so, गरु गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया कॉरपोरेट इंडोनेशिया बाइलेट दैन समुद्र शक्ति ये सब आपकी इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होती है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लॉरे म्यूज़ियम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम बेस्ड इन सो आपके ऑप्शन है पैरिस रोम न्यूयॉर्क सन ऑफ द अबव सो so, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका ए विच मीन आपका ये पैरिस में है सो so, बेसिकली ये आपका यहाँ पे आपका फीमेल आईगेज को ये पॉइंट हुई थी इसलिए कि न्यूज़ का पढ़ता इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चेक कर लीजिएगा वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये लोकेशनस कहाँ होती हैं मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो भी आपकी इसी म्यूजियम में रखी गई है नेक्स्ट आपका आता है का नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कहाँ है ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु कर्नाटक का सो so, इसका आंसर होगा आपका बी बहुत इजी था तो आपका ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके अंदर आपके तीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं भीतरकंडिका नेशनल पार्क भीतरकंडिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गरी माता गहिर माथा मरीन सेंचुरी गहिर माथा आपने सुना भी होगा काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये बाकी आपको यहाँ पे इसकी और डिटेल्स एक है आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेवेंटी ऑफ कंट्री सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ठीक यूनेस्को यहाँ पे आपका नेशनल पार्क आपका 1998 में डेवलप हुआ था ठीक और ये आपका एज अ रामसार साइट भी बोला गया है 2002 में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ ब्लैक बर्क इन आईशियंस रेड लिस्ट एंडेंजर्ड डेंजर डिसकंसर्न वर्नरेबल नन ऑफ दर्ग सो इसका आंसर होगा आपका सी सो so, ये दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक बर्ग तो so, आपका ये बर्नरेबल में आता है लास्ट क्वेश्चन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट आपको बताना है कि ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है इनके साथ मिलकर तो पहला है यू दूसरा है डब्ल्यू तीसरा है ओ एंड लास्ट वन इज वन ऑफ दी अबव सो इसका आंसर होगा आपका ए विच मीन्स यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम इससे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन के साथ मिल के निकालता है ठीक सो दैट्स एट फॉर टूडे आई होप आप प्रोग्र ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा अच्छे से अपने स्कोर किया होगा सो थैंक यू गाय थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू सोच